एक अनाउंस किया है टीएमडीसी वालों ने, तो इसके हिसाब से अभी जो टेस्ट है वो तकरीबन जो है उसकी डेट 27 अगस्त है। अब जरूरी नहीं है कि ये 20 अगस्त 27 अगस्त हो सकता है, 1 वीक आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए ये नहीं होगा कि आप ये समझें कि रिजल्ट नहीं आएगी इंटर की तो टेस्ट कैसे होगी, ये पहले भी हो चुका है। इंटर की रिजल्ट बाद में आई थी जबकि पीएमसी की टेस्ट पहले हो चुकी थी, क्योंकि पीएमसी की टेस्ट में डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, सिंपली एक फॉर्म आपकी डेटा फिल की जाती है और आपसे टेस्ट ले ली जाती है, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत बाद में पड़ती है जब आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होती है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी इंटर की रिजल्ट आएगी तो ही टेस्ट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है, इसका कोई भी आसरा नहीं रखिएगा। बगैर इंटर की टेस्ट के भी टेस्ट हो चुकी है पहले और हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। पीएमडीसी आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगी, पीएमडीसी सिंपली आपसे डेटा लेगी और कुछ भी उनको कंफर्म नहीं करना, जस्ट आपने टेस्ट देनी है। टेस्ट थोड़ी अर्ली है, अर्ली टेस्ट है तो उसमें उन्होंने सिलेबस भी दिया है, और सिलेबस जो है उससे ये फायदा होता है कि बहुत सारी चीजें फिर आपको पढ़नी नहीं पड़ती। फिजिक्स के अंदर सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको रात भेज दिए, तकरीबन इंटर की फिजिक्स ज्यादा है, जबकि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो उसके सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस में मौजूद है। उसमें चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 के एक दो टॉपिक्स हैं जैसे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है और चैप्टर 9। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चैप्टर 9 क्यों, तो बेटा चैप्टर 9 वेव्स का हिस्सा है, उसके अंदर जो कहा गया है वो वेव्स के बारे में कहा गया है, तो ये चैप्टर वेव्स का हिस्सा है, ठीक है। तो वेव्स जो होती है उसके अंदर चैप्टर 8 भी आता है और चैप्टर 9 भी आता है फर्स्ट ईयर का, तो चैप्टर 9 भी आपको पढ़ना होगा। बाकी इंटर के मैंने आपको बता दिए हैं, 11 चैप्टर का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो पूरा का पूरा पढ़ना है, और उसके साथ इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर आपको इंटरनल एनर्जी पढ़नी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिलेबस के अंदर मौजूद है, और चैप्टर 12 आपको फुल पढ़ना है। इसका एक आध टॉपिक रहता है जो पीएमडीसी के सिलेबस में लेकिन अपने बुक के अंदर नहीं है, तो वो टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। चैप्टर 13 आपने फुल पढ़ना है, चैप्टर 14 आपने फुल पढ़ना है, चैप्टर 15 का सिर्फ एक ही टॉपिक है पोटेंशियोमीटर जो सिलेबस के अंदर है, लेकिन उसके साथ एहतियात के तौर पे आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा माइंड में रखिएगा, उनकी मेन पॉइंट्स आपके माइंड में होनी चाहिए। चैप्टर 16 के अंदर रेक्टिफायर और रेक्टिफायर के अंदर डायोड इस्तेमाल होता है, तो डायोड को पढ़ना होगा आपको, क्योंकि डायोड रेक्टिफायर का हिस्सा है, इसलिए डायोड में से चीजें हो सकती है। और चैप्टर 17 जो है उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक, ये जो टॉपिक्स हैं ये पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लेकर लास्ट तक सब टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि चैप्टर 17 के अंदर जो सिलेबस है उसमें ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहा गया है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन से शुरू होती है और लास्ट तक जाती है, तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मकसद ये नहीं है कि चैप्टर के आखिर में जो एक आधे पेज का एक टॉपिक लिखा हुआ है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट सिर्फ आप वो टॉपिक पढ़ें, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लेकर लास्ट तक सब टॉपिक्स हैं। चैप्टर 18 के अंदर हाइड्रोजन की जो है वो बोहर की थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, लेकिन स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक्सरेज का भी स्पेक्ट्रम दिया गया है, और ये जो हमारे पास लेजर दिया गया है ये भी इसी से रिलेटेड है, तो चैप्टर 18 आपको फुल पढ़ना होगा, चैप्टर 19 भी आपको फुल पढ़ना है और चैप्टर 20 भी आपको फुल पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है फिजिक्स के अंदर, आप
ये कह सकते हैं कि तकरीबन इंटर की फिजिक्स जो है वो तकरीबन सारी की सारी है, जबकि जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसके सिर्फ चार चैप्टर्स हैं जिनको आपने पढ़ना है। उसके सिवा ग्रेविटेशन आपको कंप्लीटली नहीं पढ़नी और वेक्टर्स आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ने, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना, और चैप्टर 10 जो होता है ऑप्टिक्स का वो भी आपने नहीं पढ़ना। उसमें से कोई भी ऐसी चीज, किसी भी कोई भी एक टॉपिक जो है वो इस सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। अब टेस्ट का जो है वो पैटर्न अभी तक तो यही है, अगर आगे कोई चेंज होता है, क्योंकि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं ऐसा, लेकिन हो सकता है कि अगर आगे कुछ ऐसी चेंज होती है तो फिर आप उसके हिसाब से जाओगे, लेकिन अगर चेंज होती है तो क्वेश्चंस भी इधर उधर कम ज्यादा होंगे सब्जेक्ट्स के। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि अब कोई सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस अब कन्फर्म है, सिलेबस चेंज नहीं होगा। बाकी अगर कोई टेस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो अगर चेंज होती है तो वो एक अलग चीज है, उसका आपकी स्टडी से कोई लेना देना नहीं। आपने जो सिलेबस है वो पढ़ना है, अब सिलेबस आपका कंप्लीट है। लॉजिकल रीजनिंग है, उसके अभी तक तो 6 क्वेश्चंस हैं, जैसा उन्होंने कहा है डिसीशन के अंदर के जैसा लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही होगा। और उसके बाद जो ऑनलाइन के बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की तो कोई भी बात नहीं की गई है, लास्ट ईयर फिजिकल थी तो इस ईयर भी फिजिकल होगी, ऑनलाइन वाला तो सिस्टम ही नहीं है, इसलिए ऑनलाइन की कोई भी नहीं है। फिजिकल आपकी टेस्ट होगी और एक दिन होगी, मोस्ट प्रॉबेबली 27 अगस्त को हो जाए टेस्ट, ठीक है। नहीं हुई तो भी एक हफ्ता आगे पीछे होगा, अब इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे 15 दिन 20 दिन या महीना पीछे जाएगी, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डेट अब एक फाइनल दे दिए, और पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे टेस्ट नहीं होती रही। और जो आखिरी बात के जो बुक्स आपको फॉलो करनी है वो आपको अब अपने प्रोविंस की करनी है, लास्ट ईयर भी अपने प्रोविंस की थी, इस ईयर भी अपने प्रोविंस की, अब इसलिए जो है वो मेरे ख्याल में आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम फिजिक्स के अंदर तो नहीं पढ़नी, बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर आप एसटीपी को भी अच्छी तरह पढ़ोगे ना, तो भले टेस्ट आपकी पीटीपी से हो जाए मसला नहीं, ठीक है, कि फिजिक्स फिजिक्स होती है जैसी सिंध में वैसी पंजाब के अंदर है, कोई टॉपिक चेंज है तो वो अलग बात है, बाकी एक टॉपिक के अंदर कोई मसला आपको इंशाल्लाह नहीं होगा, जैसा फिजिक्स एसटीबी के अंदर है वैसी पीटीबी के अंदर है वैसी ही केपी के अंदर है, तो इसमें तो आपको मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, आप एसटीबी पढ़ लें, बाकी किसी बुक की जरूरत नहीं है। और उसके बाद के बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर एमसीक्यूज उस टॉपिक से आ गए जो सिलेबस में नहीं, तो अब इस तो का तो जवाब मेरे पास नहीं है कि तो अब इस तो के हिसाब से आप क्या पीएचडी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दोगे, कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है वो भी आ सकता है। अब अगर आ गया तो सबके लिए आएगा, एक के लिए तो नहीं आएगा कि एक ही कॉपी के अंदर ऐसा क्वेश्चन हो कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं। अब एक आध टॉपिक अगर सिलेबस से बाहर भी चीजें आ गई तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे बुक्स पढ़ते रहो, अपना टाइम वेस्ट करो उस 2 क्वेश्चन के पीछे, जो 198 क्वेश्चन हैं उनको जो है वो आप वीक कर दो, बाकी उन 2 क्वेश्चंस को आप करके आओ, के फिर क्लेम तो नहीं करोगे कि हमने देखे वो 2 क्वेश्चन कर लिए जो आपके सिलेबस में नहीं थे, इसलिए हमें ज्यादा मार्क्स देनी चाहिए और उनको कम मार्क्स देनी चाहिए। तो अगर कोई आधा एक आधा आ भी जाता है तो आसमान तो नहीं गिरना, कोई मसला नहीं है किसी और बुक के अंदर, या आप बीएससी पढ़ना शुरू कर दो, आप एमएससी पढ़ना शुरू कर दो, आप पीएचडी भी पढ़ना शुरू कर दो, क्या पता कहाँ से आ जाए। तो ये वो डर होता है, ठीक है, जो कंफ्यूज्ड लोगों को होता है, जिनको अपने आप पे एतमाद नहीं होता, ठीक है। अब इसमें टेस्ट के लिए आपका टाइम बहुत कम रहा है, तो आप 1 अगस्त तक आप अपना शेड्यूल बना लें कि 1 अगस्त तक आप अपना सारा जो सिस्टम है वो वाइंड अप करें, उसके बाद अगस्त के अंदर आप रिवीजन करें, जो भी आपने करना है वो आप अपना शेड्यूल बना लें, टाइम बहुत कम है। अब आप इसके बारे में ये भी सोच सकते हो कि मुंह को इतना करके आपके पेरेंट्स के सामने जाके बैठ सकते हो, बुक्स लेके जाओ, जाके फेंको, रोना शुरू कर दो, पीएमडीसी ने जुल्म कर दिया, 27 अगस्त दे दी,
और आपके मुंह पे जो है वो पेरेंट्स हाथ फेरना शुरू करे, बाप आपके साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, आपके आंसू बह रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप टेस्ट है नहीं, ठीक है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जंग है तो दंग है। तो अगर टीएमडीसी ने टेस्ट दिए तो उसको पॉजिटिव लें उसको डेट को, और अपना काम करना शुरू कर दें। अगर आपके अंदर इरादा है, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो अगर नवंबर में क्या दिसंबर में या 2 साल के बाद भी अगर दी जाए ना टेस्ट, तो आपका यही हाल होगा। जो लोग अभी कह रहे हैं ना, अगर 1 मंथ आगे हो जाता, अगर नवंबर में हो जाता तो हम आसमान गिरा देते। मेरी बात आप लिख लें, अगर उन्हीं बंदों से आप नवंबर के अंदर पूछोगे, कहते ना जनवरी के अंदर अगर हो जाए ना तो हम ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखेगी। जनवरी के अंदर फिर कहेंगे बिना फेबरवरी के अंदर हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये ऐसे लोग हैं जो रोते पीटते रेडियां करते रहेंगे, इनके लिए जैसा अगस्त है वैसा नवंबर है, वैसा दिसंबर है वैसी जनवरी होगी। तो इसलिए आपके पास कोई चांस नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके बस में कुछ नहीं है, आपने टेस्ट देनी है। ठीक है, जिनके हाथ में जिनके बस में, उन्होंने आपसे पूछा नहीं है, ना ही आपसे मशवरा लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपनी तैयारी करें, सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, सिलेबस के आने के बाद आपसे बहुत सारी चीजें कम हो गई। ठीक है, जैसे फिजिक्स के 7 चैप्टर अगर कलेक्टिवली हम देखें तो 8 चैप्टर कम हो गए। अगर नवंबर में होती तो 8 चैप्टर आपको अगर ज्यादा पढ़ने पड़ते, ठीक है, इससे बेहतर है कि ठीक है अगस्त के अंदर दे देते, 8 चैप्टर कम हो गए, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही होगा। इसलिए आप जो है वो उस चीज को पॉजिटिव लें और अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम करते हैं बेटा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको करते हैं बेटा, और सिंपली करते हैं क्योंकि अब ये सिलेबस के अंदर नहीं है, जस्ट जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं, ताकि जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो आपके माइंड में रहें, और अगर कोई ऐसी चीज आती है तो आप उसको कर सकें बेटा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन रही थी बेटा, वो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन यहाँ पे थी कि हमने 3 4 चीजें मैंने लिखी थी। हम पढ़ रहे थे जो हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा, उसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सेम नजर आती है, उसे अगर किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेयर किया जाए वो रेस्ट में हो, या किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेयर किया जाए कि वो जो है वो मूव कर रहा है, तो मूविंग फ्रेम के अंदर या रेस्ट वाले फ्रेम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा एक जैसी नजर आती है। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नजर नहीं आती, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, और इसी की बुनियाद पे हमने 4 पॉइंट्स बनाई थी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट नजर आना चाहिए डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, और स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट नजर आना चाहिए, सॉरी, किसी भी चीज की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, ये कहा था न्यूटन के लॉस ने। कि न्यूटन के लॉस कहते हैं कि किसी भी चीज की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उसके साथ 2 चीजें और भी हमने पढ़ी थी कि मैक्सवेल की इक्वेशंस कहती हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कांस्टेंट है, और उस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को रेस्ट में मेयर करोगे या स्पीड ऑफ लाइट को मूव करते हुए मेयर करोगे तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, ये कहा था माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जिनके मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट नजर आना चाहिए, और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, और 2 चीजें ऐसी हैं जो हमें कहती हैं स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, किसी भी चीज की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट फ्रेम्स में सेम नजर आती है, चाहे आप उसको रेस्ट में मेयर करें चाहे आप उसको मोशन में मेयर करें। अब इसकी बुनियाद पे आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी। पहले आइंस्टाइन की थ्योरी की 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ,
उसके अंदर हम ये रीजंस डिस्कस करते हैं कि आइंस्टाइन ने किस तरह से इन चीजों को जस्टिफाई किया या कलेक्ट किया। तो अब आप कहोगे बेटा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है बेटा, ये आइंस्टाइन ने दी थी बेटा 1905 में। और बेटा एक और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बेटा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आई थी 1916 के अंदर। और स्पेशल थ्योरी जो होती है, स्पेशल थ्योरी डील्स विथ इनर्शियल फ्रेम्स, ये इनर्शियल फ्रेम्स से डील करती है। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी डील्स विथ एक्सीलेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक्सीलेटेड फ्रेम्स के साथ डील करती है। आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 के अंदर दी थी। और ये जो थ्योरी है वो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस करती है। जबकि एक और थ्योरी भी आइंस्टाइन की है जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, वो डील करती है एक्सीलेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, और ये आई थी 1916 के अंदर। अब इसके पास्टुलेट्स करते हैं बेटा, अब इसके पास्टुलेट्स करते हैं कि इसके पास्टुलेट्स कौन से हैं बेटा ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास्टुलेट्स कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास्टुलेट्स कौन से हैं बेटा। इसके दो पास्टुलेट्स हैं जैसे आपके बुक के अंदर दिए गए, मैं वही लिखता हूं बेटा। पहला पास्टुलेट कहता है कि देर इज नो प्रिफर्ड और एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेटिविटी। फिजिकल लॉस, ठीक है। अब इसमें जो है वो न्यूटन के लॉज हैं या मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। अब ये क्या होता है ये बताता हूं आपको। द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, ठीक है, इन यूनिफॉर्म
ट्रांसलेशनल रिलेटिव मोशन, एंड इज इंडिपेंडेंट and is independent of the motion of ठीक है, ये होता है बेटा। आप कह सकते हैं कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पास्टुलेट्स हैं। देखिए, आइंस्टाइन ने ये जो सब चीजें इनको नजर में रख के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स दिए गए। एक तो उसने दिया है कि कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, जो हम बार बार चीज डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगा जो रेस्ट में होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो ये दोनों चीजें यूनिवर्स के अंदर कोई एब्सोल्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई भी ऐसी बॉडी यूनिवर्स के अंदर है ही नहीं जो रेस्ट में सब जो चीजें वो मूव कर रही है। और दूसरी बात के सब चीजें सर्कुलर मोशन के अंदर है और सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी चीज की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, सॉरी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रह सकती क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। तो एक बात तो जो है वो तय हुई कि कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनमें जैसे अर्थ को हम इनर्शियल लेते हैं या अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको भी हम इनर्शियल लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम हम लेते हैं अपने प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए वो सब फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मकसद है कि उन फ्रेम्स में फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे लेकिन रिजल्ट्स चेंज होंगे, जैसे जो है वो न्यूटन के लॉज है या मैक्सवेल की इक्वेशंस है। ठीक है, न्यूटन के लॉज का मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होगी और न्यूटन के लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा और न्यूटन के लॉ के मुताबिक कोई चीज रेस्ट में होगी तो बगैर अनबैलेंस्ड फोर्स के वो मूव नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो बगैर अनबैलेंस्ड फोर्स के वो रेस्ट में नहीं आएगी। तो ये न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, चाहे रेस्ट वाला इनर्शियल फ्रेम हो या कोई भी फ्रेम मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरी बात ये कि मैक्सवेल की इक्वेशंस वैलिड रहती और मैक्सवेल की इक्वेशंस ये बात कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट है इसका मकसद है अगर किसी रेस्ट वाले फ्रेम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को मेयर करोगे तो भी वही आएगी और अगर किसी मूविंग फ्रेम के अंदर मूव करोगे तो भी वही आएगी। मीन्स आइंस्टाइन ने इस बात को कंटिन्यू किया कि स्पीड ऑफ लाइट पे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसके ऊपर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन का पहला पास्टुलेट कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है या मैक्सवेल की जो इक्वेशंस होती हैं वो सब के सब इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड है और मैक्सवेल की इक्वेशन पे वैलिड होने का मकसद है कि मैक्सवेल की इक्वेशन ही तो कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मकसद है आइंस्टाइन ने इस बात को वेरीफाई किया कि स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप मूविंग फ्रेम में मेयर करोगे या रेस्ट वाले फ्रेम के अंदर मूव करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास आइंस्टाइन का जो है वो दोनों पास्टुलेट्स का कह लें कि समरी थी कि कोई भी एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं है लेकिन हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम्स अवेलेबल हैं
उन सब के अंदर न्यूटन के लॉज मीन्स ओल्ड फिजिक्स के लॉज और मैक्सवेल की इक्वेशंस वैलिड होती है। मैक्सवेल की इक्वेशंस के वैलिड होने का मकसद है कि फिर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और आइंस्टाइन ने उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बना दिया कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी, उसको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चाहे वो रेस्ट वाला हो चाहे मोशन वाला हो बेयर करोगे तो वो सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर आइंस्टाइन की ये थ्योरी को हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, या हम क्या कह सकते हैं फिर न्यूटन के इस चीज के बारे में कि एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, क्योंकि न्यूटन ने तो कह दिया कि सॉरी आइंस्टाइन ने तो कह दिया कि न्यूटन के लॉज वैलिड है। अगर न्यूटन के लॉज वैलिड है तो एक्सीलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है, तो आइंस्टाइन ने इस बात को किस तरह से जस्टिफाई किया उसको देखते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक बेटा इस थ्योरी के मुताबिक आइंस्टाइन ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि एनर्जी हैज इनर्शिया। आप इसको यहां पे ले, ठीक है बेटा, आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब आप ये चीज मानते हो कि एनर्जी हैज इनर्शिया बेटा, ठीक है बेटा, अब ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया आपकी पड़ी हुई है बेटा, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मास है, प्रॉपर्टी ऑफ मास है बेटा, और मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया, ये था न्यूटन का कॉन्सेप्ट। न्यूटन ने कहा था कि इनर्शिया का ताल्लुक मास के साथ है, आइंस्टाइन ने कहा था कि मोर एनर्जी मोर एनर्जी मोर इनर्शिया, ये कहा था आइंस्टाइन ने। यहां पे फर्क आता है कॉन्सेप्ट का, न्यूटन ने कहा था इनर्शिया का ताल्लुक मास के साथ, और इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो जब आप उसको एक्सीलेट करवाने की कोशिश करोगे तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी या ज्यादा लगानी पड़ेगी, ये इनर्शिया से पता लगता है। अगर कोई भी बॉडी का मास ज्यादा है तो मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा है, उसको रेस्ट से मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर वो मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ये हमें बताया है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने कहा था कि इनर्शिया का ताल्लुक सिर्फ मास के साथ होता है, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है, याद रखिएगा इनर्शिया प्रॉपर्टी मास की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये प्रॉपर्टी मास की है। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा के मोर एनर्जी मोर इनर्शिया, आइंस्टाइन ने कहा ये प्रॉपर्टी मास की है, लेकिन ये किसके पास है, ये एनर्जी के पास भी। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, नहीं, आइंस्टाइन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी मास की है लेकिन ये किसके पास आ सकती है, ये एनर्जी के पास भी है। मींस ये मास की प्रॉपर्टी किसके पास है, मास की प्रॉपर्टी एनर्जी के पास। जैसे आप कहते हो ना कि जो लाइट होती है उसको ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर का मकसद है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, लेकिन उसको वेव होते हुए भी प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी
पार्टिकल की। तो हम ऐसे कहते हैं लाइट को, हम ये नहीं कहते कि लाइट पार्टिकल की बनी हुई है, वो हम कॉमनली कह देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। लाइट वेव है, वो वेव होते हुए भी किसकी प्रॉपर्टीज रखती है, वो रखती है पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि इंटरफेरेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इंटरफेरेंस पार्टिकल की तो प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसको करता है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस होती है। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि इंटरफेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इंटरफेरेंस पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन करता है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी किसकी है, वेव की प्रॉपर्टी। तो देखिए मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे की प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे लाइट वेव है, वेव होते हुए भी उसको पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन या ये चीजें पार्टिकल है, लेकिन उनको पार्टिकल होते हुए भी वेव की प्रॉपर्टीज होती है। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि इलेक्ट्रॉन वेव है, आप ये भी नहीं कहोगे कि वेव पार्टिकल है। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने कहा कि इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है, हम ये नहीं कहेंगे कि इनर्शिया प्रॉपर्टी एनर्जी की है। लेकिन जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी इनर्शिया जो होती है ना, वो एनर्जी को भी इनर्शिया होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ बेटा। सपोज करें बेटा एक बॉडी है, इसका अगर मास 1 किलोग्राम है और ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे इसकी इनर्शिया, इसकी इनर्शिया 1 किलोग्राम है, ठीक है। अगर इसका मास 1 किलोग्राम है और ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, या आप इसको कह लें कि ये मूव कर रही है 10^5 मीटर पर सेकंड से, तो भी इसकी इनर्शिया है 1 किलोग्राम। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन का। न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई भी बॉडी 1 किलोग्राम की है, अगर वो रेस्ट में है या 10^5 मीटर पर सेकंड से मूव करे, तो उसकी इनर्शिया वही है। इसका मकसद है कि 1 किलोग्राम बॉडी को रेस्ट से मूव करवाना है या मूव करती हुई बॉडी को रेस्ट में लाना है तो सेम फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनर्शिया सेम है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर 1 किलोग्राम को मूव करवा के 10^5 मीटर पर सेकंड करो या 10^5 मीटर पर सेकंड से मूव करती हुई बॉडी को रेस्ट में ले आओ, तो उसकी इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन उसकी इनर्शिया सेम है, तो उसको सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। अगर कोई भी बॉडी, इसका मास जो होता है, मास होता है 1 किलोग्राम और ये रेस्ट में है, तो इसकी इनर्शिया 1 किलोग्राम है, ठीक है। अगर ये मास है 1 किलोग्राम और ये मूव कर रहा है 10^5 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी इनर्शिया कितनी बन जाती है, इसकी इनर्शिया ग्रेटर देन 1 किलोग्राम बन जाएगी, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा कि इनर्शिया सिर्फ मास के अंदर नहीं होती, जब वो बॉडी मूव करती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी इनर्शिया होती है। इसलिए जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी इनर्शिया बढ़ जाती है, ठीक है, मूविंग बॉडी की इनर्शिया बढ़ जाती है। इसलिए अगर 1 किलोग्राम बॉडी को 10^5 मीटर पर सेकंड तक मूव करवाओगे रेस्ट से, तो अलग फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर 10^5 को रेस्ट में लाओगे तो अलग फोर्स लगानी, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज है तो इनर्शिया क्या होगी, चेंज होगी। मीन्स इनर्शिया सिर्फ मास की वजह से नहीं होती, इनर्शिया किसकी वजह से होती है, इनर्जी की वजह से होती है। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्जी, नहीं, इनर्शिया एनर्जी की प्रॉपर्टी नहीं है, इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, मास की है। लेकिन वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, वो एसोसिएटेड होती है जो है वो इसके एनर्जी के साथ भी होती है, ठीक है। तो
अगर ये चीज हम मान लें तो इसके मुताबिक आइंस्टाइन ने कहा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हायर स्पीड्स पे वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो, ठीक है, ये इनर्शिया का ताल्लुक जो है वो सिर्फ मास के साथ है, लेकिन जब इनर्शिया का ताल्लुक हम एनर्जी के साथ भी जोड़ते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो हायर स्पीड्स पे वैलिड नहीं है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को मेयर करते हुए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मॉडरेट स्पीड्स के लिए, और मॉडरेट स्पीड्स पे इनर्जी को इतनी ज्यादा इनर्शिया नहीं होती, मॉडरेट स्पीड्स पे बॉडी की इनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती और उसको ज्यादा इनर्शिया नहीं होती, इसलिए आप आम स्पीड्स के लिए कह सकते हैं कि रेस्ट में भी वही इनर्शिया होगी और आम स्पीड में सेम इनर्शिया होगी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन हायर स्पीड के लिए आप ये चीज नहीं कह सकते। तो पहली बात आइंस्टाइन ने ये जस्टिफाई की कि ये जो होती है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड, इज ओनली वैलिड फॉर मॉडरेट स्पीड्स, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर हायर स्पीड्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, बेटा ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी बात कि न्यूटन के लॉज जो कहते हैं, तो न्यूटन के लॉ कहते हैं कि एक्सीलेशन होती है फोर्स अपॉन मास, और एक्सीलेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स तब होगी जब मास कांस्टेंट है, लेकिन आप अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई भी बॉडी फास्ट मूव करेगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होगी, अब ये इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी, इनर्शिया तो मास की प्रॉपर्टी है, इसका मकसद है इनर्जी को किसकी प्रॉपर्टी होती है, इनर्जी को प्रॉपर्टी मास की है, तो इसका मकसद है जैसे जैसे बॉडी हायर स्पीड पे जाएगी तो उसकी इनर्शिया बढ़ेगी, इसका मतलब है उसका मास बढ़ेगा, इसलिए न्यूटन की ये बात सही है कि एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगी, लेकिन अगर मास कांस्टेंट होगा, लेकिन मास तो कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि मास इनर्शिया की सूरत में बढ़ रहा है, इसलिए जब कोई भी चीज हायर स्पीड पे चली जाती है तो उसकी इनर्शिया इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर अगर आप उसको फोर्स लगाओ तो आपको इनफिनाइट फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी इनर्शिया बढ़ते बढ़ते आप उसको हायर स्पीड पे ले जाओगे तो उसकी इनर्शिया बढ़ते बढ़ते इनर्शिया बहुत ज्यादा, और ज्यादा इनर्शिया होगी इसका मकसद है उसको और एक्सीलेट करवाने के लिए आपको और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और हमारे पास इतनी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है कि हायर स्पीड पे जब कोई चीज जाती है उसको हम और एनर्जी प्रोवाइड करके उसको स्पीड ऑफ लाइट से आगे ले जा सके, तो इसलिए आइंस्टाइन के मुताबिक जब एनर्जी को इनर्शिया है तो जब कोई भी चीज हायर स्पीड पे चली जाती है तो उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मीन्स हम हायर स्पीड पे इतनी फोर्स दे ही नहीं पाते कि बॉडी एक्सीलेट करके स्पीड ऑफ लाइट से गुजर जाए। तो आइंस्टाइन ने कहा न्यूटन का लॉ भी सही है, वो कहता है एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, लेकिन हायर स्पीड पे जब कोई बॉडी जाती है तो उसकी इनर्शिया इतनी बढ़ जाती है कि हम फोर्स ही नहीं उतनी दे पाते, जब हम फोर्स ही नहीं दे पाते तो वो एक्सीलेट करके स्पीड ऑफ लाइट से आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन ने इस चीज को जस्टिफाई किया कि ये रिजल्ट्स जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस को, कल डिस्कस करते हैं।